बाड़मेर जिले में स्थायी वास के आधार पर निवास कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लंबित नागरिकता के आवेदनों के निस्तारण और भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर टाउन हॉल में शिविर आयोजित हुआ। इस नागरिकता शिविर के दौरान गृह विभाग के निर्देशों की पालना में बाड़मेर जिले में स्थायी वास के आधार पर निवास कर रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य यथा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के भारतीय नागरिकता के लंबित आवेदनों के निस्तारण करने के साथ ही भारतीय नागरिकता को लेकर फॉर्म जमा करवाए गए। बाड़मेर जिले में स्थायी वास के आधार पर निवास कर रहे लोगों को लंबित नागरिकता के आवेदनों के निस्तारण में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में 14 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता की स्वीकृति जारी की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित नागरिकता शिविर में जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रक्रियाधीन 46 आवेदनों में से 14 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए स्वीकृति पत्र जारी किए गए। इस दौरान विभिन्न विभागीय कार्यालयों की ओर से पाक विस्थापितों के नागरिकता आवेदनों संबंधी कार्रवाई संपादित करवाई गई। उल्लेखनीय है कि गृह विभाग के निर्देशों की पालना में बाड़मेर जिले में स्थायी वास के आधार पर निवास कर रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य यथा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के भारतीय नागरिकता के लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए नागरिकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए थे। शिविर के दौरान पाक विस्थापित सागरबाई पत्नी रतन सिंह निवासी इंदिरा नगर बाड़मेर, जयपाल सिंह पुत्र उदय सिंह निवासी इंदिरा नगर बाड़मेर एवं अजमल सिंह पुत्र दलपत सिंह निवासी सरदारपुरा बाड़मेर को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने इनको भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। नागरिकता शिविर में भारतीय नागरिकता के लिए कई पाक विस्थापित पहुंचे। पाक विस्थापित रमेश कुमार ने बताया कि वे पाकिस्तान में वर्ष 2009 में भारत आए थे और तब से जोधपुर में रह रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से बाड़मेर में वीजा है। उन्होंने बताया कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के जरिए नागरिकता शिविर की सूचना मिली थी। यहाँ आने पर कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि वे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इतने साल इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। इससे पहले वर्ष 2009 में आए अजमल सिंह के पिता दलपत सिंह और माता सायरा बाई को भारतीय की नागरिकता मिल चुकी थी।